जस्ट उस साइड भी देखिए, आप गार्डन ही है ये देखिए सबसे अच्छा, कि ग्रास कितने प्रॉपर। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस जैसा कि कल वाले ही ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये चीज़ कहा था कि कंटिन्यू आप लोग बने रहना अमर की दुनिया ब्लॉग्स में, बिकॉज मैं 10-15 दिन आप लोगों को सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, मतलब मुंबई में जहाँ जहाँ मैं जा सकूँगा आप लोगों से टोटल गणेश उत्सव की बड़ी बड़ी मूर्तियों को शेयर करूंगा। बट गाइज आपको ये भी चीज़ तो पता ही होगा कि 31 तारीख से बप्पा का आगमन तो वैसे हो चुका है, एंड आधा मतलब ऑलमोस्ट आधा जो बड़े बड़े बप्पा हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी उनका बहुत जगह पे मूर्तियों को ढका गया है गाइज। तो 31 से ओपनिंग है, 31 से प्रॉपर तारीख है ना, तो उस दिन से एकदम ही बप्पा का जो भी मूर्ति ढका हुआ है सबका सब मूर्ति खुल जाएगा। तो 31 से गाइज मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने कल ही प्रॉमिस कर दिया था। तो इसके वजह से आज मैं आया हूँ सिद्धिविनायक मंदिर, नहीं दादर वाला नहीं गाइज, एरोली वाला। तो यहाँ पे दर्शन करेंगे वो, तो फिलहाल मैं भी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, एंड अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के गाइज 7:30। तो पहले बप्पा का दर्शन कर लेते हैं। ये है यहाँ की मूर्ति, और देखिए सामने ही है गणपति बप्पा, यहाँ साईं बाबा, और यहाँ बजरंगबली की मूर्ति है, और अंदर देखिए अभी लाइट ऑन हुआ सो इसके वजह से ब्लिंक हो रहा है। ये रहा का यहाँ का इंटीरियर, मॉर्निंग के देखिए 7:32 हो रहा है, और अंदर मैंने तो अच्छे से दर्शन भी कर लिया। सब चलते हैं बाहर, और यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है बाहर बैठने के लिए भी। ये देखिए श्री सिद्धिविनायक मंदिर, स्कूटी लेते हैं एंड चलते हैं यहाँ से। बप्पा का दर्शन तो हो गया, अभी मैं चल रहा हूँ गाइस गार्डन में, बिकॉज आज करेंगे थोड़ा वॉक। आप लोग सोचते रहोगे कि स्कूटी से निकलो, एक्चुअली मंदिर थोड़ा दूर था सो जिसके वजह से स्कूटी से निकला, अब दर्शन हो गया ना, तो इसको गार्डन के बाहर स्कूटी को खड़ा करके फिर गार्डन में वॉक करेंगे, एंड आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने लोग वहाँ पे वॉक करते हैं। एंड मुझे तो याद भी नहीं है गाइस मैं कब लास्ट टाइम पे उठ के इतने मॉर्निंग में मैंने वॉक किया था। एक्चुअली जब से व्लॉग बना रहा हूँ उठ तो जल्दी जाता हूँ बिकॉज एडिटिंग एंड ऑल सब करना होता है, लेकिन इतने मॉर्निंग में उठ के वॉक मैंने आई थिंक सो बहुत दिन हो गया गाइज। सो आज चलते हैं वॉक करने के लिए। और अगर बात करें हम मॉर्निंग में तो देखिए क्लाइमेट कुछ ऐसा हुआ है, काफ़ी मस्त सा एकदम लग रहा है। तो अभी हम तो गार्डन में चल रहे हैं, अभी तो मैं फ़िलहाल में सोच भी रहा हूँ किस गार्डन में चलूँ, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ढेर सारे लोग कर रहे हैं। तो हम इस गार्डन में नहीं चलते, चलते हैं किसी दूसरे गार्डन में। गार्डन के बाहर आ गए हैं, स्कूटी को पार्क कर दिया, अब चलते हैं गार्डन के अंदर। वैसे तो बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पे वॉक, बिकॉज मॉर्निंग एकदम ही मॉर्निंग हो रहा है 7:30, एंड मैंने जब ओपनिंग किया तो 7:25 हो रहा था, मैंने तभी 7:30 बोल दिया था। सो मस्त में गाइज मैंने इतने ही मॉर्निंग में नहा वहा के पूजा वूजा कर लिया है, एंड तब मैं निकला हूँ। एंड क्लाइमेट ना एकदम ही मस्त वाला हुआ है, मतलब 7:30 तक मोस्टली तो ऐसा होता है कि धूप भी निकल जाता है कभी कभी, बट एकदम ही फॉग के जैसा हुआ है। सो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को गार्डन, मैंने एरोली का ये वाला गार्डन अब तक आप लोगों से शेयर नहीं किया है गाइज, इसके वजह से देखिए गाइज घास कितने बड़े बड़े हो गए यहाँ पे। एंड मैंने जैसा कि कहा ही ना बहुत लोग निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मैं भी तो निकला ही हूँ आज। ये देखिए टेबल तो खाली है बट बैठ नहीं सकते बिकॉज वॉक के लिए निकले हैं। पूरा ना पूरा का पूरा वो देखिए वो तरफ तक लोग चल रहे हैं कंटिन्यू। सो ऐसे मैं कैमरे को अगर टर्न करता हूँ तो देखिए हर जगह लोग चल रहे हैं। बारिश नहीं होता है ना तब तो मतलब इतना मस्त होता है ना ये गार्डन पूरा बैठने के लिए, बिकॉज एकदम ही प्रॉपर घास को कट किए होते हैं। एंड अभी बारिश का क्लाइमेट है तो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इस बारी तो हर बार के कंपैरिजन में बारिश बहुत ही कम है मुंबई में भी इवन, और बहुत जगह पे तो गाइज हो भी नहीं रहा है बारिश। सो अभी जब एकदम ही प्रॉपर बारिश का मौसम चला जाएगा ना तो उसके बाद ये घास को पूरा कट करेंगे एंड एकदम छोटे छोटे शेड में कर देंगे, तो बैठने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी लोग बैठते भी हैं। एंड कि जस्ट एक गार्डन छोड़ के दूसरा वाला जो गार्डन है वहाँ पे तो बड़े बड़े झूले भी है गाइस, तो वहाँ पे भी उस भी गार्डन में चलेंगे एक दिन, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में बप्पा का दर्शन भी हो गया है, एंड आप लोगों को मैंने प्रॉमिस भी किया था तो प्रॉमिस भी मुझे नहीं तोड़ना था। ऐसा है कि आप लोगों को तो खुद पता होगा गाइस कि बप्पा आने के बाद भी बप्पा अभी मतलब उनका पूरा जो पंडाल होता है वो ढका ही होगा, जिस डेट को उनका प्रॉपर मुहूर्त होता है ना तो उस डेट पे उनका पंडाल खुलेगा। आगमन के टाइम पे मूर्ति को एकदम खुले में लाया जाता है सो जिसके वजह से हर चीज़ दिखता है गाइज। एंड बाकी तो आपको बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोगों ने कल वाला व्लॉग तो देख ही लिया होगा एंड इससे ही अंदाज़ा लगा लिया होगा आप लोगों ने कि कितने धूम धड़ाके से लाया जाता है। एरोली के राजा थे इतने मतलब इतने अच्छे तरह से भव्य तरह से लाया गया गाइज। सो यहाँ पे तो और भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं गाइज,
मतलब कि मुंबई में और भी बहुत बड़े बड़े फेमस फेमस गणपति बप्पा हैं। सो वहाँ पे भी ना बहुत ही ऐसे एकदम धूमधड़ाके से लाया जाता है। सो अब तक तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे मुंबई के जितने भी फेमस बड़े बड़े अपना गणपति बप्पा है ना, वो सब आ चुके होंगे। अभी बहुत लोग जो घर पे बिठाते हैं या बहुत लोग जो सोसाइटी में बिठाते हैं, अब मोस्टली वही सारे गणपति बप्पा रह गए हैं। बाकी तो जितने बड़े बड़े पंडाल के होंगे ना, सारे के सारे बप्पा आ गए होते गए। सो मेरा तो हाथ भी दुखने लगा है कंटिन्यू, तो थोड़ा सा सीरियस होके 2-3 राउंड वॉक कर लेते हैं। ट्राइपॉड लाना चाहिए था, तो एक जगह सेट करके फिर मैं थोड़ा दौड़ता ना, तो आप लोग भी देख लेते और मैं भी देख लेता कि मैं कैसे दौड़ता हूँ। जो आसपास घर हैं इन लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा है, बेनिफिट मीन्स की ये कि जब भी मन करे इन लोग मॉर्निंग इवनिंग कभी भी आ सकते हैं। हम लोग भी कभी भी आ सकते हैं गाइस, बट हम लोगों को आने में 10-15 मिनट जा सकता है, बट इन लोगों के लिए तो 1 मिनट भी नहीं है। 2 राउंड तो नहीं बोल सकते, 1 राउंड पूरा भागा और दूसरे राउंड में बाय वॉक हो गया, जैसा कि अभी। सो मॉर्निंग में काफ़ी मस्त सा व्यू आता है। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है गाइज ये कि मॉर्निंग में उठने के बाद ना ऐसा लगता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। जस्ट उस साइड भी देखिए आप, गार्डन ही है, बट वो वाला गार्डन खाली है, एक भी जन नहीं है, सोचने वाली बात है। अभी देखिए 2 अंकल आंटियाँ तो जा रहे हैं उस साइड। ये देखिए सबसे अच्छा कि ग्रास कितने प्रॉपर तरह से सेट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने लाया है और ऐसे ही खड़ा कर दिया है एज इट इज़। और यहाँ पे देखिए ये भी लगा हुआ है, तो सबसे अच्छी बात वेट वेस्ट है और ड्राई वेस्ट, गीला और सूखा कचरे के लिए, सो ये चीज़ अच्छा है, बट प्रॉपर यूज़ करे तब तो। ये देखिए यहीं पे किसी ने फेंक रखा है। सो उस चीज़ जो चीज़ लगा है गाइज उसका यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको मतलब सिर्फ देखने के लिए रखना है, बाहर उठा के फेंक देते हैं, सोचते भी नहीं एक भी मिनट लोग। ये देखिए मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज सबसे प्रॉपर एकदम, और ऐसा भी नहीं कि दूरी दूरी पे गए। ये देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ लगा हुआ है वेट और ड्राई का, बट लोगों को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा गाइस, बिकॉज सारी चीज़ें हम ब्लेम करके ही नहीं पा सकते, कुछ चीज़ें हम करके भी पा सकते हैं। फिर से आ गया। सो ये चीज़ बहुत ही यहाँ पे अच्छा है गाइस, एकदम ही पास पास में लगा है, बस उसको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी उठता तो मैं आजकल जल्दी हो गए जब से व्लॉग का ये करता हूँ, बट उठ के मैं बाहर निकल के व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आज मुझे थोड़े बहुत काम है। जैसा कि आपको पता है कि 31st से गणेश उत्सव स्टार्ट हो जाएगा, सो जिसके वजह से हॉलीडेज़ बहुत ज़्यादा है ना, सो 2-3 काम है मुझे, तो सारे के सारे काम को मुझे करना है ख़त्म, जिसके वजह से अर्ली मॉर्निंग ही उठ के बप्पा का दर्शन भी करा दिया आप लोगों को एंड व्लॉग भी रिकॉर्ड करो, बिकॉज आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो जिसके वजह से आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं उठ के बाहर निकल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने से ना गाइज ऐसा हो रहा है कि बाकी सारी चीज़ें भी बहुत हैं जो कि डिले हो जा रही हैं, सो वो सारी चीज़ों को डिले नहीं करना है। एंड हॉलीडेज़ स्टार्ट होगा ना, तो कंटिन्यू 2-4 हॉलीडे है शायद से, मुझे कन्फर्म नहीं है, बट गणेश उत्सव का तो है गाइज, जिसके वजह से आज मुझे दिन में थोड़ा सा टाइम नहीं है। सो इसीलिए आज मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकल के व्लॉग बना रहा हूँ। और देखिए चिड़िया लोग कबूतर लोग कितना मस्त वाला साउंड कर रहे हैं बैठने के लिए, और ऊपर देखिए पेड़ कितना अच्छे से कवर्ड है। तो हो गया गाइस, 1 राउंड पूरा भागा, 2रा राउंड आधा भागा एंड 3-4 राउंड तो मैंने बाय वॉक पूरे गार्डन का राउंड मारा। जब भी बारिश नहीं होगा ना गाइस, तो ये पूरा ग्रास ना एकदम ही नॉर्मल रहता है, जो आज इतना बड़ा बड़ा हो गया ना, बारिश एकदम ही खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों को ये गार्डन दिखाऊंगा। मतलब बहुत लोग गेम प्ले करते हैं, एंड मॉर्निंग में तो गाइज योगा एंड ऑल सब कुछ होता है यहाँ पे। आज मैं अपना व्लॉग गाइज मॉर्निंग में ही खत्म करूंगा, बिकॉज आज मुझे है सच में बहुत ज्यादा काम। सो गाइज बस फाइनली आज के लिए इतना ही, तो गाइज मैं करता हूँ अपने व्लॉग को आज यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय। कल गणपति बप्पा का एरुलिचा राजा वाला आगमन वाला ब्लॉग मैंने डाला है, जरूर से जरूर देखना गाइस आप लोग।